हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी नोट करिए और बैठ जाइए एंड तक। तीन हेल्दी रेसिपी एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम कॉर्न चीज़ सूप बना रहे हैं, जिसमें हमने कॉर्न लिया है, उसको उबाला है, उसमें हल्दी नमक और चीनी डाली थी पानी के साथ। अब इसको छान लिया है। छानने के बाद हम इसको प्यूरी करेंगे। जिस पानी में उबाला है उसी पानी में इसको प्यूरी करना है, और छानना चाहे तो आप छाने, बस छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने डाल दिया है, और डालने के बाद इसको मीडियम हीट पे गरम करेंगे। इसके अंदर चीज़ स्लाइस डालेंगे। चीज़ स्लाइस यहाँ पे जो लोकली आपको अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिडार चीज़ होती है, बट मोंटी जैक चीज़ जो कि मैक्सिको में मिलती है वो लोग यूज़ करते हैं। एक कप दूध डाला है और चीज़ डाली है। सीजनिंग आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। काली मिर्च डालनी है काली मिर्च डालिए, चिली फ्लेक्स डालने हैं चिली फ्लेक्स डालिए, बट जिस रेसिपी के हिसाब से इसको बनाया गया है आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेक्सचर फील होगा। क्योंकि इसके साथ आपको नाचो सालसा दो और रेसिपी हैं जिसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सालसा आपका टेंजी होगा, नाचोस आपके क्रिस्पी होंगे, और जो कॉर्न एंड चीज सूप है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में होगा। इसको आपको गरम करना है, सिमर पे करिए और हल्का सा हिलाते रहिए बीच में। कॉर्न भी आप जो उबालेंगे उसको या तो कुकर में दो सीटी तक उबालिएगा या फिर 15 से 20 मिनट ढक करके भगोने में उबाल सकते हैं। दोस्तों आपको पता है नाचोस का जो इन्वेंशन है वो 1943 में उत्तरी मैक्सिकन शहर पाइंद्रास नेग्रास में हुआ था। इस शहर के एक शेफ अनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया। सालसा की रेसिपी नोट करिए और प्रोसेस फॉलो करिए रेसिपी के और वीडियो के हिसाब से। प्याज को बारीक चॉप करेंगे, और चॉप करने के बाद इसमें नमक डाल करके इसको छोड़ देंगे एक घंटे के लिए। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्याज का जितना पानी है वो निकल जाएगा और प्याज आपकी थोड़ी डिहाइड्रेट होकर के ड्राई हो जाएगी। ये प्रोसेस एक्चुअल सालसा जब आप बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर लोगों का सालसा बनाने का अपना अलग तरीका है। इवन दोज मैक्सिको में भी अलग अलग तरीके से सालसा बनाया जाता है। किसी को भी आप गलत या सही नहीं कह सकते, लेकिन जो तरीका होता है और जो प्रोसेस होता है उससे उसके टेस्ट में अंतर आ जाता है। ये नमक जो प्याज में मिलाया है और जो प्याज का पानी निकल जाएगा, उसके बाद जब इसको हम टमेटोस के अंदर मिलाएंगे तो उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट दोनों ही बदल जाएगा। यहाँ पे टमाटर को हम भून रहे हैं, यहाँ पे मैं गैस में भून रहा हूँ। आप इसको ब्रॉयल भी कर सकते हैं पैन के अंदर। टमाटर की स्किन को एकदम भून लेना है, उसकी स्किन एकदम काली हो जाएगी। सेम आपको चिली के साथ भी करना है। चिली में कई लोग सीड निकाल देते हैं और फिर उसको चॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सीड के साथ ही इसको चॉप करूँगा। आप प्रोसेस देखते रहिए। तो इन्वेंशन की स्टोरी क्या है कि कुछ अमेरिकी सैनिकों की जो पत्नियाँ थीं वो उस शहर के अंदर आई हुई थी जो कि फोर्ट डंकन में ठहरी हुई थी, और शॉपिंग करने के लिए पाइद्रास नेग्रास शहर में आई हुई थी। उन्हें कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो इस रेस्टोरेंट में आ गई। ये जो टमाटो और चिली हमने रोस्ट करी है इसको रनिंग वाटर में वॉश करना है, ठहरे हुए पानी में नहीं। रनिंग वाटर में वॉश करके भी इसके टेस्ट में काफ़ी फर्क आता है, आपको फील होगा जब आप इसको पूरा बना लेंगे और इसको रखेंगे। तो जिस समय वो रेस्टोरेंट में खाने आई उस समय रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बंद हो चुका था और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। शेफ ने अपने गेस्ट को वापस भेजने की बजाय उनके लिए कुछ बनाना ज़रूरी समझा और उनको सर्व करना ज़रूरी समझा। इधर टमाटर को हम सीडलेस और डी स्किन करके अलग से इसको हम चॉप करेंगे, और जो आपका जो सीड्स है उसको निकाला है उसको हम छान लेंगे, जिससे कि बीज निकल जाएं और उसका जो रसा है वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाए। आप वीडियो को देखिए, उसके हिसाब से आप इसको फॉलो करिए। नमक चीनी और नींबू जो भी आप डालेंगे वो अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि टमाटर का जो टेस्ट है वो डिफ़र करता है। कभी वो टमाटर ज़्यादा खट्टे होते हैं, कभी फीके या कभी मीठे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ऐड ऑन करना है, बट प्रोसेस यही फॉलो करना है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।
तो फिर शेफ ने क्या किया, उनके पास कुछ मक्के की रोटियां बची हुई थी जिसको उन्होंने तिकोने साइज में काटा, फ्राई किया, और उसके अलावा उनके पास एलेपेनो चिली, थोड़े से चीज़ और सार क्रीम वगैरह पड़ा था जिसको उन्होंने इसके ऊपर डाल करके और रिफ्राइड बीन के साथ उसको सर्व किया, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और बाद में उसका नाम डिसाइड करना ज़रूरी हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लोगों को बहुत पसंद आने लग गया। इस सालसा के अंदर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव जूस नहीं ऐड हुआ है, जो अनियन का पानी निकलने से इसके अंदर जो लिक्विडनेस है वो कम हो जाएगी, अनियन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं बीज साथ में काट रहा हूँ क्योंकि मेरी मिर्ची छोटी है, जो मैक्सिकन चिली होती हैं जो यूज़ करते हैं वहाँ पे थोड़ी बड़ी चिली होती है जिसमें आराम से इसको डीसीड और डीस्किन कर दिया जाता है। कई लोग स्मोक करके चिली पेस्ट भी बनाते हैं, बट यहाँ पे मैं छोटा सा पोर्शन बना रहा हूँ इसलिए मैं चिली चॉप करके डाल रहा हूँ। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं इसके अंदर कोई भी तरीके का लिक्विड नहीं है, जूस अलग से नहीं ऐड किया हुआ है। सालसा जो है आपका एकदम पानी की तरह नहीं होगा, जिससे कि जो आपके नाचोस हैं वो एकदम क्रिस्पी रहेंगे। चॉप धनिया डाली हुई है, धनिया आप चाहें तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, धनिया का स्वाद बहुत अच्छा आता है। भुना हुआ जीरा भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिको से बाहर अमेरिका में, सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में इसकी जो पॉपुलरिटी है वो 1960 और 70 के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1959 में अमेरिका के सैन एंटोनियो में रहने वाली एक युवा महिला कार्मेज रोचा ने अपने पति के साथ लॉस एंजलिस में इसको बसी थी और उन्होंने इसको वहाँ पे और ज़्यादा लोकप्रिय किया। सालसा को अगर आप बना करके अगले दिन, एक दिन बाद अगर आप उसको सर्व करते हैं या खिलाते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है, और अनियन, टमाटो और जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों एक आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब ये नाचोस जो मैं बना रहा हूँ, ये नाचोस जो है वो देसी स्टाइल में क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें मक्के का आटा यूज़ कर रहा हूँ लेकिन कॉर्न पेस्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जनरली जो तौरतला चिप्स बनती है उसमें कॉर्न का पेस्ट भी यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने मक्के का आटा और उसके अलावा मैदा यूज़ किया है, थोड़ा सा चीनी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट को पहले ही घोल लिया है पानी के अंदर, हल्का सा इसमें रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं, फिर हल्का रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो डाल करके एक टाइट डो बनाएंगे आप जो हार्ड होगा, पूड़ी के आटे की तरह आप बनाएं इसको और फिर इसको बेल करके हम काटेंगे। आटा मलने में मसारेना और भी तरह की चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं जो मैक्सिको के लोकल अवेबिलिटी के हिसाब से होती हैं। हम यहाँ पे देसी नाचोस इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो अवेबिलिटी है उसके हिसाब से हम ऑलमोस्ट रेसिपी को फॉलो करते हुए वो चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट आपको वैसे ही आएगा। यहाँ पे जब हम रोटी बेल लेते हैं, बेलने के बाद इस पर ऑयल का ब्रश करके इसको रोस्ट किया जाता है। आप इसको रोस्ट करते हैं तो इसको ऑयल इसमें कम लगता है और ये थोड़ा हेल्दी वर्जन में आ जाता है। यहाँ पर मैंने इसको फ्राई किया है क्योंकि रोस्ट करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट सेटअप नहीं था, बट आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिकन चिली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जो कि सब जगह प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि एंचोस, नीग्रो, पासिया एंड सो मैनी अदर वेराइटीज़। किडनी बीन से एक रिफ्राइड बीन पेस्ट भी बनाया जाता है जो कि नाचोस के ऊपर लगा करके और खाया जाता है। ये कंप्लीट मील होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन के साथ होता है। आपके कॉर्न तौरतला हो गए, रिफ्राइड बीन्स हो गया, फिर आपके सालसा हो गए, तो सारे कंपोनेंट एक छोटे से सेटअप्स में होते हैं जिसको आप खाते हैं। आपका पेट में आपको फीलिंग जो होती है वो हल्केपन की महसूस होती है, बट आपकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो आपको सारी मिल जाती हैं हल्के से मील में। इसके जो अकम्पनीमेंट्स भी जनरली सर्व होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जैसे कि गोकामोले जो कि अवोकाडो से बनता है जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हेल्दी वर्जन है। उसके अलावा सार क्रीम होती है, सालसा होता है, पिको दे गावा होता है, और भी अलग अलग वर्जन की चीज़ें बनाते हैं जो कि वहाँ पे सर्व की जाती है लोकली, बट अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है मैक्सिको के ही हिस्सों में। नाचोस को एग्जैक्टली हिट करने वाला जो फर्स्ट कंपनी थी वो अमेरिकन फूड कंपनी थी जिसका नाम था रिकोस प्रोडक्ट्स। यू बिलीव मी, यू ट्राइड इट, यू मेक इट एट होम एंड यू रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ नाचोस सालसा विद कॉर्न चीज सूप
ऑल टेक्सचर इज टोटली डिफरेंट एंड कॉम्बिनेट टू ईच अदर. यू कैन कीप दिस फॉर ए लॉन्ग ऑल्सो. सूप ऑल्सो यू कैन कीप इन टू द फ्रीजर फॉर ए लॉन्ग. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा बहुत लेंदी सा वीडियो पसंद आया होगा. आपको बोर बहुत किया बट आप रिग्रेट नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद. जब आप घर में ट्राई करेंगे बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ईजी है, टेस्टी है और हेल्दी है. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. बेल इंडिकेशन जरूर दबा दीजिएगा मेरे अगले वीडियो के अलर्ट के लिए. मैं शेफ नितिन जैन NJ सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे. आपका प्यार मेरे को ऐसे ही मिलता रहेगा. मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. NJ स्पेंड लेस ईट बेस्ट. सी ट्राई मेक इट सर्व इट.